पानीपत के निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा द्वारा भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई एक 11 सदस्यीय संस्था के खिलाफ पानीपत पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस संस्था का गरीब, विकलांग, असहाय और लाचारों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण करवाया गया था, जबकि इस संस्था की आड़ में गरीबों के इस राशन को अवैध तरीके से बाजार में बेचा जाता था। पूर्व पार्षद की शिकायत पर इस बड़े भ्रष्टाचार पर सीएम फ्लाइंग अंबाला ने छापा मारा था तो कुछ सफेद पोस्ट लोगों के काले कारनामों का भंडाफोड़ हो गया। बीते दिनों पानीपत निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा के विरुद्ध पूर्व पार्षद रामकुमार सैनी ने सीएम को शिकायत की कि मेयर सुरेश वर्मा समाज सेवा के नाम पर न सिर्फ गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है बल्कि सरकार को भी हर महीने लाखों की चपत लगा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए थे, जिस पर बीती 12 जुलाई को सीएम फ्लाइंग अंबाला ने सुरेश वर्मा के घर और दफ्तर पर रेड मारी थी। इस दौरान सीएम फ्लाइंग डीएसपी सिद्धार्थ ने सुरेश वर्मा के गोदाम में 612 क्विंटल अनाज जबकि संस्था द्वारा सरकार से 1080 क्विंटल अनाज लिया गया था। इससे यह साफ हो गया कि मेयर की संस्था और सदस्यों ने 668 क्विंटल अनाज बाजार में अवैध तरीके से बेच दिया। तो वहीं अब सीएम फ्लाइंग की जांच में दोषी पाए गए सुरेश वर्मा और उसकी संस्था के सभी सदस्यों के खिलाफ पानीपत में धारा 420, 120 बी और एसोसिएशन कमोडिटी एक्ट 1955 की धारा 7-10 में मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व पार्षद रामकुमार सैनी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। रामकुमार सैनी जी, बधाई के पात्र हैं आप। आपने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, या यूं कहें कि आपने गरीबों के हक की उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है जिसे लड़ने का जिगरा बहुत कम लोगों में होता है। ऐसा है, इसमें बधाई के पात्र तो मेरे साथ जो साथी लगे हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, और मैं सबसे पहले तो आपकी मीडिया का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी शिकायत को बड़ी गंभीरता से लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई कराई जी। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ रहे, उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। तो इसके बारे में भ्रष्टाचार के इस मामले में सुरेश वर्मा और उसकी संस्था के मेंबरों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें अब पुलिस की आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? उसमें पुलिस की आगे की प्रतिक्रिया तो ये रहेगी, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब किसी अच्छे से अफसर को तफ्तीश के लिए दिया गया मुकदमा, और इस मुकदमे के अंदर जो जो लोग भी इसमें 11 मेंबर की जो इनकी कमेटी है उनमें अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा, इसके बाद भी और धाराएं लगेंगी, जो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए, संस्था बनाई और इस संस्था में जो राजनीति के नाम पे भ्रष्टाचार मचा रखा था इन लोगों ने, तो उनके खिलाफ तफ्तीश जारी है। रामकुमार जी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार करते थे इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा है, इसमें वो लोग हैं जो संस्था बनाते वक्त तो अपने आप को मजदूरी दिखा रहे हैं, और बाकी के वो लोग हैं जिनके पास आटा मिल है, ये सारा राशन सरकार से लेते थे, जो गरीब लोगों को बांटना था, विधवाओं को, कमजोर लोगों को, मत बुद्धि लोगों को, इन लोगों को जो राशन बांटना था ये उनकी बजाय अपने मिलों में ले जाते थे और उसको पीस पीस के थैलियों में भर के मार्केट में बेच देते थे। ये कौन लोग थे वो जो थैलियों में आटा भर के पीस के बेचने का काम करते थे? हाँ हाँ, ये आटा पीसते थे, और इनके जितने भी मैन मैन लोग हैं वो सब इसी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, और एक इनकी
वर्मा के साथ मिलके एक इनका वो ग्रुप था जो राजनीति को भी बदनाम करने की इच्छा में, इन लोगों का कोई भी सामाजिक काम नहीं है, ये भोले लोगों को गुमराह करके, जो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर बाहर के हैं और शरीफ लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करके ये सारा का सारा माल सरकार से लेके इन गरीबों को ना देने की बजाय अपनी माटा की मिलों में ले जाते थे और वहां से मार्केट में बेच देते थे। आपने पिछली बार आरोप लगाया था कि संस्था के जो मेंबर हैं वो छोटे छोटे दुकानदार, किराने के दुकानदार या फिर आटा मिल संचालक हैं। हाँ जी। ये वो कौन लोग हैं, इनके नाम जरा बताइए। इनमें इसके सहयोगी है, एक तो वीरेंद्र है, जितेंद्र सन ऑफ वीरेंद्र, इसका बहुत बड़ा मिल आटे का। एक प्रेम राम जितामल है, इनका भी आटे का मिल है। एक आनंद जी, इसका चावल का व्यापारी है, ये थोक का चावल का काम करता है। और इसी तरह के ये 11 लोग इसमें मिले हुए हैं। ये राजनीति के नाम पे भी एक इकट्ठा ग्रुप बना लेते थे और सरकार को भी चूना लगाते थे और इन गरीब लोगों का भी पेट काट के ये मार्केट में माल बेच देते थे। और इलेक्शन के दौरान में भी ये इनका एक ग्रुप होता था जो इन सीधे भोले भाले लोगों को बहका के उनको वोटों में तब्दील कर लेता था, उनको पैसे दे के, किसी को अनाज दे के, तो इन भोले भाले लोगों से ये अपना वोट ले जाते थे और फिर ये राजनीति का दुरुपयोग करते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी। इन्होंने बताया कि इस पूरे भ्रष्टाचार में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो पहले से ही आटा मिल और किराने के व्यापारी हैं। ये सभी आपस में मिलकर इस पूरे अनाज को आपस में मिलकर बांटकर और उसको आगे बाजार में बेचते थे और उसके बाद इस सारे पैसे का आपस में बंदरबांट होता था, जिसको लेकर अब पानीपत पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।